गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू क्लास 8 एंड द पॉलिटिकल पोर्शन ऑफ एसएसटी चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर पॉलिटिकल पार्ट। ठीक है, तो बच्चों हमने पॉलिटिकल पार्ट का जो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और अपनी लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी द व्हाई वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या कारण है जिसके कारण हर कंट्री के अंदर, आप देखिए वर्ल्ड की हर देश को के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया गया है। एंड वी आल्सो डिस्कस दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट व्हाई वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बच्चों अभी तक की क्लास में हम लोगों ने दो चीजें डिस्कस की है। पहली चीज हमने ये जाना कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और दूसरी चीज हमने ये जाना कि हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है। मतलब आप देखते हैं कि वर्ल्ड के अंदर कई सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, इन सारी कंट्रीज के अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब दुनिया के सारे देशों के पास अपना अपना संविधान है, अपनी अपनी लॉ की बुक है जिसके अकॉर्डिंग वे अपने देश को चलाते हैं, या ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट गवर्निंग का काम करती है, देश को चलाने का काम करती है। तो इस तरह से हमने कई सारी चीजें अपनी लास्ट क्लास में जानी कि कॉन्स्टिट्यूशन होना क्यों जरूरी है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे की फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेन एलिमेंट क्या है, विशेषताएं क्या है, क्वालिटीज क्या है ना। और इसके अलावा हम लोग जानेंगे कि कुछ ऐसी फैक्ट या कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में बच्चों हम लोग बात करेंगे जो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत स्पेशल बना देती है। और एज वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया के सिटीजन से इसलिए भी जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का जो है उसके मेन एलिमेंट्स क्या है, मेन फीचर्स क्या है, मतलब किन किन चीजों को, किन किन बातों को शामिल किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। या सिंपल सा कहें तो हम लोग आज अपनी क्लास में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो क्वालिटीज है, जो मेरिट्स है, जो की फीचर है, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले जान लेते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे प्रोसेस में आया। ठीक है, और जो बनाने वाले लोग थे, जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उनके माइंड के अंदर क्या चल रहा था। इसी के साथ बच्चों आपको ये भी बताएं, 1947 के अंदर जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हो गई थी, देश आजाद हुआ, तो कंट्री के सामने कई सारी प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही थी कि कंट्री का पार्टीशन हो गया था और दो कंट्रीज बन गई, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। दूसरी बात, लाखों लोग पाकिस्तान चले गए जो पाकिस्तान में रहना चाहते थे, वहां से पाकिस्तान से लाखों लोग इंडिया आए क्योंकि वो इंडिया में रहना चाहते थे। तो जब ये लोग देश छोड़कर अपने देश में आए तो अपनी प्रॉपर्टी, अपना पैसा, अपने खेत, अपने मकान, अपनी दुकान, सब कुछ वो लोग छोड़ के आ चुके थे। तो ये समझ लीजिए कि लोगों के पास कुछ नहीं था। ठीक है, और तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि जब अंग्रेज भारत से गए तब तक वो इंडिया को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर चुके थे, मतलब हमारे देश को इकोनॉमिकली बर्बाद कर चुके थे। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को से निपटना था जिन लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उन लोगों ने 3 साल तक मेहनत की, 3 ईयर्स तक वो लोग लगे रहे, पूरी दुनिया के जितने भी देश है उन देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे पहले उन लोगों ने पढ़ा, उनको जाना, और बाद में उन कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें उनको हमारे देश के लिए अच्छी लगी उनको हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया गया। तो काफी चैलेंजेस थे देश के सामने कि किस तरह से एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जो हमारे देश को आगे तक 100 सालों तक, कई समय तक, लंबे समय तक सर्वाइव करके रख सके, देश को बनाए रख सके। ठीक है, तो बच्चों हम लोग जो आज डिस्कस करेंगे वो है की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखते हैं, जानते हैं कुछ खास बातें, क्या क्या खास था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, तो लॉन्ग एक्सपीरियंस अंडर द कॉलोनियल स्टेट कन्विंस द इंडिया दैट फ्री इंडिया शुड बी डेमोक्रेटिक। तो सबसे पहली बात, जब इंडिया आजाद हुआ तो
तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, मतलब वो असेंबली जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन लोगों ने ये तय किया कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री होगी। और डेमोक्रेसी का मतलब, बच्चों मैं आपको अपनी फर्स्ट क्लास में बता चुकी हूँ कि एक ऐसी कंट्री जहाँ पर वहाँ के नेता, वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है, उनको वहाँ की जनता इलेक्ट करती है। दूसरा, जहाँ पर जनता का शासन होता है। नॉर्मली देखो बच्चों, डेमोक्रेसी का मतलब ही लोकतंत्र है, जनतंत्र है, जहाँ पर जनता का राज चलता हो। अब जनता का राज का मतलब क्या, क्या हम लोग सरकार बन के राज कर रहे हैं? बिल्कुल हम लोग सरकार बन के राज कर रहे हैं, क्योंकि जिन नेताओं को, जिन रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग इलेक्ट करते हैं, वोट दे के चुनते हैं, वो हमारे विश के अकॉर्डिंग ही तो काम करते हैं। अगर सरकार हमारे देश की जनता के हिसाब से काम नहीं करेगी तो हम लोग क्या करेंगे? आगे आने वाले 5 सालों बाद में जब वापस इलेक्शन होंगे, वापस वोट होंगे, तो हम लोग उन रिप्रेजेंटेटिव को नहीं चुनेंगे, हम दूसरी सरकार चुनेंगे, दूसरे नेता चुनेंगे। तो ये चीजें ऐसी है बच्चों जो हमारी कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाती है। ठीक है, तो पहला फैसला लिया गया कि इंडिया विल बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया क्या होगी? एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगी जहाँ पर जनता का राज होगा। सेकेंडली, 300 पीपल बिकम द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन 1946 AD। अब बच्चों, कल ही मैंने बताया था आपको अपनी लास्ट क्लास में कि हमारी कंट्री 1947 में इंडिपेंडेंट हुई, आजाद हुई, और देश आजाद हुआ उसमें पहले ही तैयारियां हो गई थी। 1 साल पहले ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हो चुका था। ठीक है, तो जून 1946 के अंदर इलेक्शन हुए पहली बार। इस इलेक्शन से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर चुने गए और टोटल मिला के लगभग 300 मेंबर जो कि वो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इकट्ठे हुए, शामिल हुए। तो आप ये समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 300 मेंबर्स का ग्रुप थी। इस असेंबली के लोगों ने आगे जाकर कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। ठीक है, तो 300 मेंबर्स इलेक्शन हुए 1946 के अंदर, इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ज्वाइन की एंड दे मेड फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स टू राइट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और लगभग 3 साल लगे इन लोगों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस था बच्चों, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि पूरी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ाया गया, अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पहले लोगों ने पढ़ा, और फिर इनको जो बातें अच्छी लगी, जो रूल, जो रेगुलेशन जिनको इनको अच्छे लगे, वो इन्होंने हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर लिए। ठीक है, देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स व्हिच वर आवर कंट्री फेसिंग। अब जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उस समय हमारी देश कई सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था, जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो क्या क्या प्रॉब्लम थी जिनसे हमारा देश गुजर रहा था? तो देखिए, द पार्टीशन ऑफ कंट्री इन इंडिया एंड पाकिस्तान। सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही थी कि हमारा देश 2 भागों में बढ़ गया, मतलब कंट्री का पार्टीशन कर दिया। अंग्रेज जब भारत छोड़ के गए, उससे पहले इन्होंने हमारे देश को 2 अलग अलग कंट्रीज में डिवाइड किया, इंडिया और पाकिस्तान। तो पहली प्रॉब्लम तो यही थी। दूसरा प्रॉब्लम, द सब प्रिंसली स्टेट रिमेन अनडिसाइडेड अबाउट देयर फ्यूचर। अब ये प्रिंसली स्टेट क्या होता है? प्रिंसली स्टेट का मतलब होता है बच्चों रियासतें। हमारी कंट्री के अंदर कई सारी छोटी छोटी रियासतें थी जिनके ऊपर राजाओं की हुकूमत थी, लेकिन बाद में इन राजाओं के ऊपर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो चुका था। तो जब भारत या हमारी इंडिया इंडिपेंडेंट हुई, तो लगभग 500 से भी ज्यादा रियासतें या प्रिंसली स्टेट इंडिया के अंदर मौजूद थे। इनमें से हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, और इसके अलावा अगर बात करें ये वेस्ट जो पाकिस्तान बना था, जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं, इसके ऊपर ब्रिटिशर्स ने कोई फैसला नहीं लिया और ये कहा कि ये जो प्रिंसली स्टेट है, इनकी इच्छा हो तो ये पाकिस्तान में मिल जाए, इनकी इच्छा हो तो ये इंडिया में मिल सकते हैं, और अगर चाहे कि ना तुम्हें पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं और ना ही इंडिया का, तो ये प्रिंसली स्टेट अपनी खुद की मतलब इंडिपेंडेंट किंगडम रख सकते हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती थी बच्चों कि अंग्रेज भारत के 100 टुकड़े करके चले गए और इन प्रिंसली स्टेट को ये आज़ादी दे दी कि इनकी इच्छा हो तो ये भारत में मिले, इच्छा हो तो पाकिस्तान में मिले, और अगर
किसी का भी हिस्सा नहीं बनना चाहते तो खुद अपनी एक देश बना सकते हैं। तो अब आप सोचिए कि अगर डॉक्टर जो हमारे वल्लभ भाई पटेल जो थे, जिनको हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई थी कि प्रिंसली स्टेट को भारत के अंदर मर्ज कर लिया जाए, ठीक है। तो उनके प्रयासों से, उनके कारण ही आज हम देखते हैं कि पूरी इंडिया जो यूनाइटेड है। नहीं तो आप जरा सोचिए कि जहाँ राजस्थान, ये राजस्थान में रह रहे हैं, यहाँ पर राजस्थान की जगह कोई एक छोटा सा देश होता, जहाँ पर आप हैदराबाद देख रहे हैं, हैदराबाद एक देश होता, और अगर जहाँ आप जूनागढ़ देख रहे हैं वहां पर भी जूनागढ़ भारत का हिस्सा ना होकर अपना आप में एक देश होता। जहाँ आप कश्मीर देख रहे हैं, कश्मीर अपना आप में एक अलग कंट्री होती अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन सारे प्रिंसली स्टेट को भारत में जोड़ने में मदद नहीं की होती। तो आप ये समझ के चलिए कि भारत से जाने से पहले अंग्रेजों ने भारत के 100 टुकड़े करने का फैसला कर लिया था, टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया था। लेकिन बाद में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिनको ये काम सौंपा गया था कि भारत की जितनी भी रियासत है, जितनी प्रिंसली स्टेट है, इनको मिलाकर भारत में मर्ज करवाना है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि प्रिंसली स्टेट की प्रॉब्लम भी थी। तीसरी प्रॉब्लम थी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपल। हमारे देश के अंदर अभी बच्चों मैंने बताया कि वे लोग जो जिनका हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था लेकिन इंडिया में रहना चाह रहे थे, तो वे अपनी जमीन, अपना खेत, अपना घर सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान से भारत आ गए। जो पाकिस्तान जाना चाह रहे थे उनके मकान, उनकी दुकान, उनके खेत सब कुछ यहीं रह गया। तो आप ये समझ सकते हैं। और साथ ही अंग्रेज जब भारत छोड़ के गए तो जब तक भारत पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, मतलब हमारी कंट्री को ये लोग खोखला करके चले गए, खाली करके चले गए। तो इकोनॉमिक कंडीशन भी खराब थी, सोशल कंडीशन भी खराब थी, क्योंकि दंगे शुरू हो गए थे भारत और पाकिस्तान को लेकर, ठीक है। तो इन प्रॉब्लम्स के साथ में ही जो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे, जिसमें मैंने आपको कई सारे नाम बताए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे, नेहरू जी जैसे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, के मुंशी, ये कुछ ऐसे, और इसी के साथ में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन बने, इन लोगों ने इंडिया की इन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया। उन्होंने, उनके दिमाग में ये सारी चीजें चल रही थी कि ये जो प्रॉब्लम्स है ये आगे आने वाले फ्री इंडिया में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब बच्चों हम लोग बात करेंगे की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के मेन जो एलिमेंट है क्या, तो बच्चों इस तरह से बच्चों आप लोग देख रहे होंगे कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लीडर्स के सामने थी, ठीक है। आज हम लोग आगे अपने टॉपिक में की फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर्स क्या है, क्या क्या चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल की गई है। तो सबसे पहले इसमें जो फीचर्स में हमारे शामिल किया गया है, फाइव एलिमेंट्स है, फाइव की फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें से पहला है फेडरलिज्म, दूसरा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, तीसरा है सेपरेशन ऑफ पावर, नंबर फोर है फंडामेंटल राइट्स, नंबर फाइव है सेक्युलरिज्म। तो इस तरह से फाइव की फीचर्स को हम लोग एक एक करके समझेंगे। और पहला जो फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो है फेडरलिज्म। अब पहले ये समझिए बच्चों कि फेडरलिज्म होता क्या है, ठीक है। तो पहली चीज ये है कि किसी कंट्री में जब गवर्नमेंट अलग अलग लेवल पर काम करती है तो इसे फेडरलिज्म कहते हैं। जैसे आप देखिए हमारी पूरी कंट्री जो है, इस इतनी बड़ी कंट्री है, खूब सारी पॉपुलेशन है, तो किसी एक गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि पूरे देश को चला सके, पूरी गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री को कंट्रोल कर सके। तो इसीलिए गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सके इसके लिए पूरी कंट्री को स्टेट में बांटा गया है, स्टेट को डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया है, डिस्ट्रिक्ट को सिटीज में बांटा गया है, और सिटीज को विलेज में बांटा गया है, ताकि गवर्नमेंट आसानी से काम कर सके। तो हमारी कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म को अपनाया गया है, जिसमें हमारी गवर्नमेंट थ्री लेवल पर काम करती है। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया की कहाँ है, न्यू दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर है, कंट्री की जो कैपिटल सिटी है वहीं पर तो सरकार काम करेगी। तो जैसे देश की जो गवर्नमेंट पूरी कंट्री
चलाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरे नंबर पर है स्टेट गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट जो स्टेट को चलाती है, जैसे राजस्थान एक स्टेट है तो हमारे राजस्थान की गवर्नमेंट अलग है, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट अलग है, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट अलग है ना। इसी तरह से आप चले जाइए मद्रास की अलग है, बिहार की अलग है, उड़ीसा की अलग है, आंध्र प्रदेश की अलग है, तमिलनाडु की अलग है, सब स्टेट है, सब स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट है जो सिर्फ स्टेट का ही ध्यान रखती है। फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आ जाती है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और विलेज सिस्टम को संभालती है, मतलब शहरों की व्यवस्था बनाए रखना और गांव की व्यवस्था बनाए रखना, इसके लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। तो टोटली फेडरलिज्म क्या है, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एक ऐसा देश या एक ऐसा गवर्निंग सिस्टम जहाँ पर गवर्नमेंट एक से ज्यादा गवर्नमेंट के लेवल होते हैं, ठीक है। तो हमारी कंट्री में भी 3 tier सिस्टम को अपनाया गया है, मतलब हमारी कंट्री में गवर्नमेंट 3 levels पर काम करती है, ठीक है। तो देखिए इंडिया में 3 tier सिस्टम, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या करेगी, सिटी और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान रखेगी, मतलब शहरों का और गाँवों को चलाने का काम करती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में गवर्निंग सिस्टम कितने लेवल पर है, तो 3 levels पर काम करता है। सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो देश को चलाएगी, स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट जो राज्यों को या स्टेट को चलाएगी, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो सिटी लेवल पर और विलेज लेवल पर बनती है, जिसमें आप पंचायती राज को भी पढ़ते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन थ्री लिस्ट दैट डिटेल द इशू दैट ईच टायर गवर्नमेंट है। तो इसके लिए मतलब हर गवर्नमेंट को काम बांट दिया गया है कि कौन सी गवर्नमेंट क्या काम करेगी, इसके लिए 3 lists बनाई गई है, ठीक है, जिसको सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 tier लेवल सिस्टम को अपनाया गया और तीनों गवर्नमेंट जो है 3 lists के अकॉर्डिंग काम करती है, ठीक है। अब आते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, देखिए हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर उस कंट्री के जो सिटीजन्स हैं वो वोट देकर अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, और बाद में ये ही रिप्रेजेंटेटिव या ये नेता आगे जाकर अपनी सरकार बनाते हैं और जनता की इच्छा के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें हमारी कंट्री की, तो हमारी कंट्री में पार्लियामेंट को संसद कहते हैं, ठीक है। संसद या पार्लियामेंट के 2 houses है, 2 houses है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा के जितने भी मेंबर है, ठीक है, वो सारे के सारे मेंबर इलेक्टेड होकर आते हैं, मतलब हम लोग लोकसभा के मेंबर्स को वोट देकर चुनते हैं, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। तो देश में जितने भी कानून बनाते हैं, सारे कानून कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाती है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल अटेंडेंस ऑफ प्रेस फॉर ऑल सिटीजन। तो अब ये यूनिवर्सल जो यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज है, ये क्या है? तो यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट, वोट देने का हक। हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है बच्चों, और इसीलिए कंट्री के अंदर रहने वाला हर सिटीजन जिसकी एज 18 हो चुकी है, ठीक है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो कोई भी रिलीजन से फॉलो करता है, कोई भी कास्ट से फॉलो करता है, कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, लेकिन 18 साल के बाद, 18 ईयर के बाद हम सबको राइट टू वोट मिल जाता है। मतलब हम वोट देते हैं अपनी पसंद के नेता को, वह नेता अगर जीत जाता है तो आगे उसकी सरकार बनती है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। तो पहली बात, हमारी कंट्री के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है उसमें हम लोगों को राइट टू वोट जो है वो दिया गया। पीपल ऑफ इंडिया है डायरेक्ट वोट इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो बच्चों इस तरह से हम लोग देख लीजिए कि अगर हम वोट देंगे तो इसका मतलब हमारे
नहीं देंगे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि कंट्री के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री गवर्निंग सिस्टम को अपनाया गया है। ठीक है, अब दीज रिप्रेजेंटेटिव आर अकाउंटेबल टुवर्ड द पीपल। अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंटेटिव मतलब ये जो मिनिस्टर्स हैं, ये जो नेता है जिनको हम लोग चुनते हैं, ये अकाउंटेबल होते हैं टुवर्ड द पीपल। मतलब इन्हें अपने हर काम की प्रति कह सकते हैं जिम्मेदार होते हैं, चाहे इनका काम सही है चाहे गलत है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी किसकी होगी, इन लोगों की होगी। और जैसे जनता चाहेगी वैसे ये रिप्रेजेंटेटिव काम करते हैं। ठीक है, तीसरा जो की फीचर है वो है सेपरेशन ऑफ पावर। अब सेपरेट का मतलब तो आप सबको पता है, अलग। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर का कोई इंसान गलत यूज नहीं कर सके, इसके लिए पावर को अलग अलग लोगों में बांट दिया गया है। ठीक है, तो हमारी कंट्री में पावर को 3 लेवल पर, 3 हिस्सों में बांटा गया है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारी गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन है, 3 ऑर्गन है। जैसे बॉडी को चलाने के लिए हमारी बॉडी में कई सारे ऑर्गन्स हैं जो जिससे हमारी बॉडी जो है वो चलती है, उसी तरह से गवर्नमेंट को चलाने के लिए 3 ऑर्गन है बच्चों, जिसमें से पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशरी। तो ये 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, ठीक है, जिसके बेस पर गवर्नमेंट काम करती है। अब हम देखेंगे इन तीनों के क्या काम है। तो देखिए बच्चों, पहला आता है लेजिस्लेचर, रेफर्स टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो लेजिस्लेचर कौन है, वो ग्रुप लोगों का जिसमें रिप्रेजेंटेटिव आते हैं इलेक्ट होकर, जिनको हम चुनते हैं वे लोग यहाँ पर जाते हैं। और हमारी कंट्री में लेजिस्लेटिव कौन है, पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट में जो लोकसभा है, इस लोकसभा के सारे मेंबर डायरेक्टली इलेक्ट होकर वहां पर जाते हैं। मतलब हम लोग वोट देते हैं, अपना नेता चुनते हैं, ये नेता आगे जाके पार्लियामेंट का हिस्सा बनते हैं। तो लेजिस्लेचर, अब लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, मेकिंग लॉज, कानून बनाएगी। लेजिस्लेचर क्या करेगी, कानून बनाएगी, फॉर्मेशन ऑफ लॉज, कानून बनाएगी। ठीक है, सेकेंड आते हैं एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव क्या काम करेगी, देखिए लेजिस्लेचर ने जो कानून बना दिए, अब उनको देश में लागू भी तो करना पड़ेगा, तो ये जो देश में लॉज को इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करता है, एग्जीक्यूटिव करती है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। तो एग्जीक्यूटिव क्या है, एक छोटा सा लोगों का ग्रुप है जो कानून को इम्प्लीमेंट करता है। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर ने जो कानून बना दिए है उसको क्या करेगा, देश में लागू करेगा। और हम एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं, तो एक आता है पीएम, एक आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एक आ जाता है प्रेसिडेंट। ये 3 लोग मिलकर क्या करती है, क्या बनती है, एग्जीक्यूटिव बनती है। ठीक है, अब आता है जुडिशरी। जुडिशरी क्या है, लॉ सिस्टम जो है, या ये जो हमारी कंट्री में कोर्ट का सिस्टम है, इसको जुडिशरी कहते हैं। जैसे आप देखिए हमारी कंट्री का सबसे बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, जो दिल्ली के अंदर है। इसके अलावा स्टेट लेवल पर हर स्टेट का अपना अपना एक हाई कोर्ट है जो उसे सुप्रीम कोर्ट के अंडर में काम करता है। हर स्टेट का अपना अपना हाई कोर्ट है। जैसे देखिए राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ है, बिल्कुल हमारे जोधपुर के अंदर। ठीक है, तो इसी तरह से सारे स्टेट के अपने अपने हाई कोर्ट हैं। स्टेट से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं वो हाई कोर्ट में सॉल्व होते हैं। हाई कोर्ट के अंडर में होते हैं सेशन कोर्ट या लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट के अंडर में जो होते हैं और लोअर कोर्ट होते हैं जो विलेज और छोटी छोटी सिटीज में चलते हैं। तो इस तरह से ये जो पूरा कोर्ट सिस्टम है इसको कहते हैं जुडिशरी। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ पावर बाय वन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, ईच ऑर्गन एक्ट एज अ चेक ऑन अदर ऑर्गन्स टू इंश्योर द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल थिंग्स। तो देखिए बच्चों, अब अभी मैंने कहा कि हमारी कंट्री में जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर को अपनाया गया, मतलब गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन बना दिए गए। कुछ काम लेजिस्लेटिव करेगी, कुछ एग्जीक्यूटिव करेगी और कुछ जुडिशरी। अब ये भी तो हो सकता है कि कोई एक ऑर्गन अपनी मन मर्जी करे। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गन अपनी मन मर्जी नहीं कर सकता, इस
कंट्रोल करने की पावर है, चेक करने की पावर है, जिसको हम क्या कहते हैं, चेक ऑन द अदर ऑर्गन, मतलब एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन पर, मतलब जैसे लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव पर वो कंट्रोल करेगी और जुडिशरी लेजिस्लेटिव को कंट्रोल करेगी, तो इन तीनों ऑर्गन का एक दूसरे को कंट्रोल करने का काम भी है, ताकि कोई ऑर्गन अपने अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सके। तो बच्चों इस तरह से आज हमने कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर स्टार्ट किए हैं। अभी तक हमने 3 की फीचर्स जो है वो डिस्कस कर लिए हैं और बाकी जो की फीचर है हम अपनी क्लास में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।